न्यू ईयर से पहले सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस ने निकाला शहर में फ्लैग मार्च। सड़क पर शराबखोरी कर हुड़दंग करने वालों को पुलिस की चेतावनी। 500 पुलिसकर्मी नशेड़ियों पर रखेंगे नजर। 20 स्थानों पर लगेगी चेक पॉइंट। आपको बता दें कि न्यू ईयर से पहले पुलिस द्वारा आज एसपी नवनीत भसीन के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें शिल्पी प्लाजा, अस्पताल चौराहा, धुबिया टंकी सहित शहर के विभिन्न चौराहों का भ्रमण किया गया। आपको बता दें कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी नए साल के जश्न में पुलिस का पहरा रहेगा। सभी मुख्य मार्गों में पुलिस के पॉइंट लगाए जाएंगे और जश्न के नाम पर शराबखोरी कर हुड़दंग मचाने वालों का सवेरा थाने में ही होगा। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने शिल्पी प्लाजा में नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी सहित सभी थाना प्रभारियों को नियमित शहर में हाका अभियान निकालकर नशाखोरी करने वालों की धरपकड़ करने के निर्देश दिए हैं। नए साल के जश्न में पुलिस ने शहर की लगभग 20 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर चेकिंग पॉइंट लगाकर ब्रीथ एनालाइजर मशीन की मदद से चेकिंग की जाएगी। शहर के सभी थानों के अलावा 9वीं बटालियन होमगार्ड पीटीएस का बल भी बुलाया जाएगा, जिनकी ड्यूटी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगी। जो भी शराब पीकर वाहन चलाते मिलेगा उसके लिए थाने में व्यवस्था की जाएगी। आइए सुनते हैं इस संबंध में रीवा एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने सबसे अपील की है कि नया वर्ष में उल्लास से मनाएं, आनंद से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, परंतु किसी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि कानून का उल्लंघन हो और अन्य किसी व्यक्ति को समस्या हो। और विशेष रूप से हम चाहते हैं कि नशा रहित नव वर्ष का स्वागत किया जाए, जिससे कि दुर्घटनाओं से बच सके और नव वर्ष का स्वागत हम लोग पूरे ऊर्जा और उत्साह से कर सकें, परंतु किसी प्रकार की कोई दुर्घटना से बचें और अपने मित्रों साथियों के साथ में उसी से नए वर्ष में प्रवेश करें।